जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज ये 48 नंबर का पार्ट है। इससे पहले हमारे 47 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें, बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, लीला सेठ। लीला सेठ भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। जो ऑप्शन में आपको बछेंद्री पाल दिखाई दे रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और सचिता कृपलानी से आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सचिता कृपलानी। और किरण बेदी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, नाटी लोक नृत्य में किया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों, नाटी लोक नृत्य याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के फेमस लोक नृत्य आपको रिवाइज करना है, लावणी तमाशा। और उसके बाद ओडिशा के लोक नृत्य आपको मैं बता दूं, ओडिसी। और पंजाब के लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, भांगड़ा और गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिए, विटामिन के। विटामिन के की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, निम्न में से कौन से प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, लक्ष्य सेन एवं किदांबी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन एवं किदांबी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। जो लक्ष्य सेन है याद रखिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं। और किदांबी श्रीकांत की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश के राउला पलेम के निवासी हैं। आगे यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था? तो हरियाणा राज्य में याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। और याद रखिएगा, तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध भी आपको याद रखना है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रमशः 18 वर्ष और 40 वर्ष। मतलब अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत याद रखिएगा 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर सबसे कम होता है और कहां पर सबसे अधिक होता है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है।
और गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर पूछ ले अधिकतम कहां होता है, तो ध्रुवों पर याद रखना सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए दांडी मार्च शुरू करने के पीछे क्या कारण थे, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च शुरू करने के पीछे साइमन कमीशन की विफलता भी कारण था, कांग्रेस की लाहौर घोषणा 1829 और गांधी की 11 सूत्री मांग की अस्वीकृति, ये तीनों कारण थे दांडी मार्च शुरू करने के पीछे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने या खदानों या खतरनाक कार्य में नियोजन से प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, याद रखिएगा कारखाने खदानों खतरनाक कार्य में नियोजन से प्रतिबंधित किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो प्यारे साथियों जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपको कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी दिखाई दे रही है, ये तीनों नदियां याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था, तो याद रखिएगा शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा इस इमारत का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के गठित किया गया है, तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 280 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत होता है, और याद रखना वित्त आयोग का स्थापना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको डेट याद रखना है 1951, और याद रखिएगा पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। आगे यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत इसका प्रतीक है लोहड़ी का त्योहार, ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें, कम समय में एक अच्छी तैयारी अगर आपको करना है तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। क्लास का PDF एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम से प्रतिदिन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।